नमस्कार, बीसीएन न्यूज के प्रदेश की खबरों में मैं भाग्यश्री आपका स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हम तो हमारे तो सबके तो, जी हाँ, इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह गुर्जर के नेतृत्व में एकत्रित सैकड़ों महिला व पुरुषों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर देश के राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के मार्फत पहुँचाने के लिए अपर जिलाधिकारी को सौंपा है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि वह कोरोना महामारी एवं पड़ोसी देश चीन के कारण उत्पन्न संकट से कुशलतापूर्वक निपटने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का जहां पुरजोर समर्थन करते हैं, तो वहीं देश की सरकार से लगातार बढ़ रही आबादी के कारण देश में आने वाले संसाधनों की कमी के लिए सरकार से जनसंख्या समाधान के लिए हम दो हमारे दो सबके दो के लिए अतिशीघ्र कानून बनाए जाने की मांग करते हैं, ताकि देश एक खुशहाल और विकासशील देश बन सके। डीएम ऑफिस आपका आना हुआ है, क्या है, कैसा आना हुआ? हमारा जनसंख्या समाधान फाउंडेशन है जो 7 साल से काम कर रहा है। 28 राज्यों में हमारे ये जनसंख्या समाधान फाउंडेशन कार्य कर रहा है और दो बच्चों का कानून बने उसके लिए पूरे देश में हमारे एक ज्ञापन जा रहे हैं। उसके पूरे देश में आज जो जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, बेतासा वृद्धि हो रही है, देश में जितनी भी समस्याएं हैं सभी समस्याओं की जड़ यह जनसंख्या वृद्धि है। और हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से भी और देश के राष्ट्रपति जी से भी ये अनुरोध करते हैं कि इस देश में दो बच्चों का कानून बनाया जाए और सख्त से सख्त सख्ती के साथ उसको लागू किया जाए। और यही हमारी मांग है, पूरा संगठन हमारा अतिशीघ्र जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारा ये कानून बना के लागू करा जाए। उसी के लिए हम सब पूरे देश में ये हमारा आंदोलन चल रहा है और जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा और तेज़ी से बढ़ता जा रहा है जब तक ये कानून नहीं बनेगा। मेरा ईश्वर कुमार सिसोदिया, एच डी एम ऑफिस आए हो आप, किस लिए आए हो, क्या है बोला? हम ये चाह रहे हैं कि दो बच्चों का कानून लागू हो और सख्ती से लागू हो। बेतहाशा जो जनसंख्या बढ़ रही है और हमारे संसाधन कम होते चले जा रहे हैं, कोई कहता है महंगाई हो रही है, कोई कहता है सड़क नहीं है, हम कितनी भी बना लें कितनी भी कर लें वो अराजकता ही फैलती चली जाएगी। इसलिए सख्ती से लागू हो, दो बच्चों का कानून लागू हो, हमारी मांग यही है। छोटा परिवार और सुखी परिवार, हम दो हमारे दो और सबके दो। बीसीएन न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। मथुरा छाता तहसील के गांव उमराया में सोमवार को किसान आंदोलन के समर्थन में गांव उमराया के किसान आए हैं। किसानों ने करीब 3 एकड़ गेहूं की खड़ी फसल को ट्रैक्टर से जोतकर अपना विरोध जताया, महंगाई पर नियंत्रण और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग भी की। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार। हम आपको बताते चले कि सोमवार को उमराया गांव के किसानों ने अपनी 3 एकड़ गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर कृषि बिल के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन किया। जिस फसल से किसान अपने परिवार का भरण पोषण करता है उसी पर ट्रैक्टर चलाकर फसल को नष्ट कर रहा है। किसान लगातार 3 कृषि कानूनों को सरकार से वापस लेने की और महंगाई नियंत्रण की मांग कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान कृषि कानून के विरोध में धरने पर बैठे हुए हैं, परंतु सरकार किसानों की नहीं सुन रही है, जिसके चलते सोमवार को लोगों ने अपनी खड़ी गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर से जुताई कर अपना विरोध जताया है और कहा कि सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस ले और किसानों की फसल का MSP रेट फिक्स कर दे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। अभी कम लोगों ने फसल को ट्रैक्टर द्वारा जोता गया है, आगे और भी किसान अपनी फसलों पर ट्रैक्टर चलाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, किसान किस प्रकार अपनी खेती करेगा, किसानों के सामने समस्या खड़ी हुई है। सरकार ने 3 कृषि कानून जबरदस्ती किसानों पर थोप दिए हैं, ऊपर से डीजल पेट्रोल के दाम और महंगाई बढ़ती जा रही है। हमारी मांग है कि सरकार कृषि कानूनों को वापस ले और महंगाई पर नियंत्रण करे, अन्यथा किसान इसी तरह अपनी फसलों को ट्रैक्टर चलाकर जोतता रहेगा। रहने वाले उमराया, बताएं आप खड़ी फसल को जोत रहे हैं, क्या मामला है? सर ये सरकार MSP को लिखित में तो देती नहीं है, गेहूं का रेट निकाल दिया है 1975 रुपए,
और हमारा आई साल गेहूं बिकता है 1500 1550 मंडी में, आज भी रेट 1500-1600 का है सब। अगर सरकार MSP लिखित में दे हमको कि हमारा रेट जो MSP लिखित में दे रही है उसी रेट पर माल बिकना चाहिए, 2-4% किसानों का MSP रेट पर माल बिकता है, तो ऐसे तो पूरी आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी। आप क्या करें सर, का पालन पोषण कैसे चलेगा, क्या करें फिर बताइए आप। लागत कितनी लगती है, सरकार कहती है कि एक मुट्ठी डालते हैं ठेली भर के काट के लाते हैं। DAP का बोरा कितना महंगा है, डीजल 81 रुपये लीटर है, यूरिया का बोरा कितना महंगा है, कितने मजदूर लगते हैं, क्या बच रहा है मैं खेती में। तो अब भी आपने बहुत इसमें नुकसान पा लिया है, आपने खाद भी इसमें दिया होगा, लेकिन खड़ी फसल है पकने को तैयार है, फिर आप इसको जोत रहे हैं, इससे नुकसान नहीं होगा, क्या कहना चाहते हैं आप? अब सर क्या करें फिर, ना जोते तो इसको हम। घनश्याम जी बताएं क्या कहना चाहते हैं आप? कहना क्या चाहते हैं, ये तो सरकार को भी पता है और सबको भी पता है, उसी दिन से अनशन चल रहा है हमारा, किसानों की भी चल रहा है, कोई सुनवाई तो कोई है ही नहीं, और ना हमें कोई रेट मिल लो, खाद डीजल हर सौदा इतना महंगा, किसान का कोई माल रेट मिल जाए तो भी किसान को संतुष्टि हो जाए। हम दुखी होकर जाते तो फसल जोतने भूखे मरे, कम से कम प्राण चले जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है हमारी। और क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग यही है कि हमें जो डीजल है, पेट्रोल है, खाद है, ये तो खाद तो किसान का मुख्य से, जो 50 किलो का बोरा हम, तो अब ये 45 किलो का होगा, रेट और बढ़ गया, कहाँ तक किसान सहन करे। अगर मान लीजिए फिर भी अब सरकार ये नहीं मानती आपकी, और आगे आप क्या रणनीति अपनाएंगे? अब नहीं मानोगे तो ये हमारा किसानों का ये है कि किसान तो अनशन कर रहे हैं बॉर्डर पे, के बैठ कर हम प्राण गंवा देंगे, फसल जोत रहे हैं बर्बाद कर देंगे, मरने पे नंबर है किसानों का, और क्या होगा। चुनावों से पहले यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने कहा था कि सुगर मिल को चालू करने के लिए कहा था, हमारे गन्ना मिल का तो किसान समझो कि इतनी बार आया है, मोदी जी के भी पास होया है, योगी जी के पास होया है, काफ़ी गए हैं, कोई सुनवाई, हमारे गन्ना मिल की कोई सुनवाई नहीं, हमारी खेती वैसी नष्ट हो रही है, कोई आज तक जितना भी किया, जितने वादा किए आज तक कोई वादा निभाया नहीं। यहाँ के जो स्थानीय BJP नेता है वो क्या कह रहे हैं सुगर मिल के बारे में? वो कुछ नहीं कह रहे, कोई सुनवाई नहीं है, मतलब ये कह गया, कह कह के वादा कर जाते हैं, कोई आज तक कोई ऐसा भी नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। बिसेन न्यूज के लिए मथुरा से अजय ठाकुर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र के गांव बछलोता में उत्तर प्रदेश किसान मजदूर मोर्चा के तत्वावधान में क्रमिक आंदोलन के बैनर तले दिल्ली गाजीपुर में किसान आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए गांव में भी उसका असर दिखने लगा है। आपको बता दें कि जहां MSP व सरकार के द्वारा बनाए गए कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों का धरना पिछले 3 महीने से ऊपर लगातार विरोध जारी थे, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसानों का विरोध देखने को मिल रहा है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में बछलोता ग्राम पंचायत में कृषि कानून का विरोध कर रहे, जिन्होंने बताया कि किसी कानून को लेकर हमारे बड़े नेताओं ने जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक हमारा आंदोलन ऐसे ही बरकरार चलता रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निरंजन सिंह है। तो ये जो आज आप धरने पर बैठे हैं तो क्या कारण है और क्यों बैठे हैं, क्या इसका वो है? कारण तो स्पष्ट है, कई महीने से बराबर दिल्ली में आंदोलन चल रहा है किसानों का, और उसमें जो सरकार ने कानून बनाए हैं वो किसानों के विरोध में लगते हैं, किसान के हित में नहीं है, इसलिए हम MSP पर हमारी फसल सरकार खरीद दे और इन कानूनों में जो संशोधन करे अथवा ना करे तब भी हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी MSP पर सारी फसल बिक जाए, दाना दाना बिक जाए, उसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में गन्ने को लेकर भी कोई मांग है। हाँ, गन्ने को लेकर भी मांग है, गन्ने का मांग स्वामीनाथन जो आयोग था जिसने 15 अगस्त 2007 में रिपोर्ट दे दी थी और कहा था कि इसका 1.5 गुना किसान को मिलना चाहिए तो किसान को दूसरों के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, लेकिन दुर्भाग्यवश बिल्ली काली ना भूरी अच्छी, ना तो कांग्रेस ने उसको लागू किया और ना ये सरकार जो BJP की आई थी, मोदी जी ने सबसे पहले कहा था कि हम किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। क्या बताना चाहेंगे कि जनपद हापुड़ में कितने जगह धरना आयोजक किया जा रहा है? ये तो आप संयोजक जी से पूछेंगे कि वो कितनी जगह पर लागू हो चुका है, मुझे तो इस पूरी जानकारी नहीं है, वीरपाल सिंह जी संयोजक हैं इसके,
उनसे आप जानकारी ले लेंगे तो उनके पास में पहुँच जाएगी। धीरे धीरे रिपोर्ट पहुँच रही है। मैंने अभी तरुण राम जी को जो यहाँ के संयोजक हैं उसके साथ में संयोजक जी के साथ में उनको एक फ़ोटो भेज दिया है और वीरपाल जी को भी भेज देंगे। तो धन्यवाद। क्या नाम है आपका? विजय पाल। कहाँ से हैं? बसलोता से। बताना चाहेंगे जो उत्तर प्रदेश किसान मजदूर मोर्चा के द्वारा तत्वाधान में श्रमिक आंदोलन जो किया कार्मिक आंदोलन किया जा रहा है, इस बारे में प्रकाश डालें। इसमें जो ये जो सबको पता है चल रहा है, जो शास्त्री जी ने बयान दिए हैं, यही हमारी सबकी यही मांग है। बीसीएन न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत गांव सैजलपुर निवासी ओम बिर स्टेशन रोड शिकोहाबाद की कोचिंग से लौटते वक्त कुछ लोगों ने मारपीट की। यह मामला थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत स्टेशन रोड का है। ओम बिर सैजलपुर निवासी हर रोज की तरह स्टेशन रोड कोचिंग से लौट रहा था। उसी समय साथ के कुछ लड़कों ने उसके साथ मारपीट कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी साइकिल भी छीन ली गई। मामला करीब समय 4:30 का है। घायल ओमवीर सिंह ने थाना शिकोहाबाद में लिखित में तहरीर दी है और तहरीर के आधार पर संयुक्त चिकित्सालय शिकोहाबाद में उसका प्रथम उपचार किया गया है। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन इन मनचलों लड़कों के साथ किस प्रकार का न्याय करती है। आप कहाँ रहते हो? ये आपका झगड़ा हुआ कैसे हुआ? पेपर दे के आ रहा था, फॉर्म भरा है, बैठ आर्मी लेके स्वास्थ्य कार्ड वहाँ पर बैठ वगैरह मारा। 5 बजे हुआ। न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में जमीन की खातिर कलियों की पुत्र ने गला घोटकर पिता की हत्या कर दी। हत्या के बाद खुद थाने पहुंचा आरोपी और दूसरा भाई फरार है। फिरोजाबाद के जसरानाथ थाना क्षेत्र के गांव में दो कलियों की पुत्र ने जमीन की खातिर अपने ही बुजुर्ग पिता की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद एक भाई थाने आ गया तो दूसरा फरार हो गया। जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं मृतक के पुत्र ने अपने दोनों भाइयों पर पिता की हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया है। केरिया सलीमपुर निवासी मेवाराम पुत्र खूबलाल 90 साल की उसके ही सगे पुत्रों ने जमीन की खातिर गला दबा कर हत्या कर दी। बुजुर्ग की हत्या से गांव में हड़कंप मच गया है। पुलिस को जानकारी होते ही गांव पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भिजवा दिया। वहीं पिता की हत्या करने के बाद थाने पहुंचे हत्यारोपी पुत्र लाल बहादुर ने पुलिस को बताया कि मेरे पिता सभी जमीन को बेच रहे थे, इसलिए मैंने और बड़े भाई हाकिम सिंह ने प्लान बनाकर उनकी अंगूठा से गला दबाकर हत्या कर दी। मेरा भाई भाग गया और मैं थाने आ गया। वहीं मृतक के बीच बाली पुत्र मथुरा प्रसाद ने थाने में दी तहरीर में लिखा कि मेरे पिता की दो शादी हुई, पहले पत्नी से बड़ा भाई हाकिम सिंह वो दो बहनें व दूसरी पत्नी से मैं और मेरा छोटा भाई लाल बहादुर व दो बहनें हैं। मेरे पिता पर 21 बीघा जमीन थी जिसमें से उन्होंने 9 बीघा बेच दी थी। अब उसके पास 12 बीघा जमीन बची थी। मेरे पिता मेरे पास रहते थे जिस कारण मेरे दोनों भाई मुझसे व मेरे पिता से रंजिश मानने लगे। आज जब मैं ट्यूबवेल पर था तभी 11 बजे करीब मेरे बड़े भाई हाकिम सिंह व छोटे भाई लाल बहादुर ने अंगूठा से गला दबाकर मेरे पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने तहरीर लेकर अभियोग पंजीकृत कर लिया। थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया है कि जमीन की खातिर पुत्रों ने ही पिता की हत्या कर दी है, जिसमें से एक ने खुद थाना आकर सरेंडर कर दिया तो दूसरे की तलाश की जा रही है। क्या घटना हुई है? तो जी घटना हुई थी, तो बाबा घर पे थे हमारे, आगे में लबाई के लाई थी और तो सब खत्म है। बाबा खत्म है और किसने मार दिया है? क्या मार दिया? किन्ने मारा है? आगे में और दोनों हां आ रही है। थाना जसराना के खेरिया पटिकरा गांव में आज एक मेवाराम नाम के व्यक्ति की हत्या हुई है। उम्र इनकी 85 से 90 साल होगी और इनकी हत्या खुद के इनके दो बेटों ने गला दबाकर की है। इनके 3 बेटे थे, छोटे बेटे के साथ ये रहते थे। दोनों बेटों को लगता था, जो और दो बेटे इनके थे उनको लगता था कि सारी ज़मीन ये छोटे बेटे के नाम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने कोई ज़मीन बेची भी थी जो छोटे बेटे के, उसका पैसा छोटे बेटे को दे दिया था। उसी को लेकर आके गुस्से में इन दोनों बेटों ने उनकी हत्या कर दी अपने खुद के बाप की। उसमें से एक आरोपी बेटा गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी की कार्रवाई की जा रही है। बीसीएन न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों से हम आपको यूं ही रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।